मैं बहुत खुश हूँ और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इन्होंने याद किया है। शूटिंग आज इनके लिए मैंने ब्रेक किया है पूरी तरह से और मैं इधर आया हूँ आज करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। जो हमारे एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइटर्स टीम बहुत बढ़िया लिख रही है सब, तो मुझे उम्मीद है ये शो धीरे धीरे और हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे। मुझे नहीं पता, बस मुझे इन्होंने बुलाया है, सोनल और रेहान ने, तो मैं इधर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि शायद मुझे डायरेक्टर के लिए कुछ अवार्ड सम्मानित किया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, ये अवार्ड इससे पहले हुआ है, हुआ होगा शायद, द मुंबई अचीवर्स अवार्ड, तो मुझे इनवाइट किए, सो थैंक यू सो मच पूरी टीम को, जज़ाकअल्लाह खैर। और फिटनेस से रिलेटेड मिल रहा है, एक बहुत बड़ी फिटनेस की अचीवमेंट के बाद अभी रिसेंटली मेरा जिम ओपन हुआ है और उसी के साथ साथ मेरे जिम के इक्विपमेंट्स का भी लॉन्च था और उसी के बाद फिटनेस से रिलेटेड अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार, थैंक यू सो मच। वेल, मैं यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज एवरी अवार्ड आई गेट आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल एंड ऑलवेज रियली रियली हैप्पी टू रिसीव एनी अवार्ड दैट आई रिसीव एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एट द मुंबई अचीवर्स अवार्ड एंड इट्स जस्ट अमेजिंग एंड ग्रेटफुल फॉर मी टू बी हियर। वेल, ये आउटफिट तो मेरा ही है, मैंने मतलब यू नो डिज़ाइन किया, इट्स डिज़ाइन बाई मी ओनली एंड या बस आई जस्ट वॉन्ट वेयर समथिंग कलरफुल and hairstyles done by my sister and makeup is also done by my sister, so yeah, thank you so much, thank you। आजो, इतना एक्साइटेड हूँ, पर ये बता कैसा लग रहा हूँ? मस्त लग रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ, इसलिए मस्त बन कर आया हूँ। थैंक यू दादा जी। मुझे कौन सा अवार्ड मिलने वाला है ये तो अंदर जाकर पता चलेगा कि कौन सी किस चीज़ से नवाजेंगे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और मुंबई अचीवर्स अवार्ड है।
आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आई होप कि कुछ बहुत अच्छा सा अवार्ड मुझे भी मिल जाए, मज़ा आएगा. एंड जी यार, जितने हफ्ते मैं रह कर आया ना उनकी आवाज़ बिग बॉस की तरह आपसे ज़्यादा लाउड है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाउड पूछूँगा. यार बाहर बहुत अच्छा है बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा है और कमेंडेबल है. टू बी ऑनेस्ट, आसान नहीं है घर में रहना. और मुझे लगता है कि वो टेम्परामेंट, वो अंडरस्टैंडिंग जो घर में रहने के लिए चाहिए, वो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए. और ज़्यादा हिम्मत चाहिए कि बाहर रह के मज़े करें, धमाल करें. तो मेरे को लगता है कि थोड़ी ज़्यादा हिम्मत दिखा के बाहर रह दूँ और बाहर मज़े करते हैं. बट नो बिग बॉस फॉर मी एनी टाइम सून. जी यार, मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ अर्चना के लिए. मुझे लगता है कि वो इनहेरेंटली बहुत फनी गर्ल है और मज़ा आएगा कि देख के वो स्टंट्स कैसे करती है. मुझे लगता है कि जो उनका तरीका है करने का और बात करने का भी, वो बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है स्टंट्स के बीच में भी करते हुए. और इट्स गोना बी फन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड वैसे तो बहुत पूरी टीम ही अच्छी है. और रोहित शेट्टी सर मेरे, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज. और जैसे ही वो आते हैं ना फ्रेम में, और जिस तरीके से वो हैं, जिस तरीके से वो एनकरेज करते हैं, जिस तरीके से वो एक नेवर गिव अप स्पिरिट लेकर आते हैं, वो बहुत ही कमाल की है. और आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम ऑन द स्क्रीन इन खतरो. फिंगर्स क्रॉस्ड, देर आर फ्यू, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग गोज वेल एंड यू शैल हियर अबाउट द रिव्यूज. एक्साइटमेंट है, नॉमिनेटेड हैं, होपफुली हम लोग यहाँ से अवार्ड्स लेके जाएंगे. और जैसे कि आप सभी जानते हैं, भाभी जी जो है पिछले 8 सालों से लोगों के दिल और दिमाग पे छाया हुआ है, और बस कोशिश यही है कि सालों साल इसी तरह छाया रहे. सही पकड़े हैं नहीं, अभी तो सारा 100% कॉन्सेंट्रेशन भाभी जी पे ही है. थैंक यू, शुक्रिया. मैं अच्छी, बहुत एक्साइटेड हूँ. आई फील वेरी एक्साइटेड फॉर सच अवार्ड्स, एंड तैयार होने में और एक्साइटमेंट होती है. आई डोंट नो, आई जस्ट वेयर व्हाट माय डिजाइनर गिव मी, जो उसने दे दिया.
किसको अचार मिला क्या? आई मीन मुझे डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अगर मैं उनको डायरेक्शन सिखाऊंगी तो कैसा लगेगा? सो आई डोंट थिंक सो उनको ऐसे फैशन के बारे में कुछ बोलना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. दैट्स इट. थैंक यू. इनके बारे में किसी परिचय की जरूरत नहीं है. मेरे को पूछ रहे इनको? आपको पूछ रहे हैं. मेरा बहुत सालों से दोस्ती है सर के साथ, प्लस अंदर जो अवार्ड हो रहा है उनके साथ भी. ब्राइट 1,00,000 इवेंट फिल्म सीरियल एल्बम का हिस्सा है. बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े अवार्ड में सर के साथ मेरे को खड़े रहने का मौका मिला है. बाप रे बाप रे, ये शख्सियत ऐसा बोल रही है जो कि पूरी इंडस्ट्री को चलाती है. और उतनी साधारण है, बताइए. थैंक यू.